everyone we all welcome you in india's best learning platform upcoming ias and today we will see how pyqs plays important role in your prelims exam सो so, स्टूडेंट्स uh, अगर आप प्रिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से करके जाते हो तो so आप ट्वेंटी फाइव मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो एंड अगर आपने ट्वेंटी फाइव मार्क्स इंक्रीज कर लिए हैं तो डेफिनेटली जो आपका प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगा विद वेरी गुड मार्क्स सो आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कि कैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यूटिलाइज करें और कैसे हम उनको पढ़ें क्योंकि देखो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन उनसे आपको समझना होता है डायरेक्ट क्वेश्चन तो वही जो क्वेश्चन में पूछा होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन वो जो कुछ क्वेश्चन कुछ और होगा लेकिन उसकी स्टेटमेंट में कुछ और भी दिया हुआ है उसके ऑप्शन में कुछ और दिया हुआ है सो so, उनको आपसे कैसे आपको कैसे अनालिस करना है वो सब कुछ हम इस वीडियो में सीखेंगे ताकि अगर अभी तक आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो कवर नहीं करे तो आज से आप कवर करना स्टार्ट कर दें तो आज चलो अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं और ये टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का पेपर ही मैं आपको अनालिस करके बताऊंगी जिसमें से मैं आपको बताऊंगी कि दो हजार बाईस में जो क्वेश्चन आए ना ये ऑलरेडी इस टॉपिक से रिलेटेड पहले आ, जो यूपीएससी है वो क्वेश्चन पूछ चुका

Exclusive power के बारे में उसने पूछा था तो देखो 2012 में ऑलरेडी उसने राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर के बारे में पूछा हुआ है तो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते तो हमें वहां से अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि भाई 2012 में अगर राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर्स आई हैं तो अब लोकसभा की भी एक्सक्लूसिव पावर वो पूछ सकता है ओके okay. और सुरेश देखो 2012 में मैंने आपको दिखाया कि राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर पूछी फिर 2020 में अगर हम देखें तो लोकसभा और राज्यसभा की इक्वल पावर्स पूछी कि वो ऐसी कौन सी चीज है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के पास इक्वल पावर होती हैं तो अब ए, एक क्वेश्चन क्या बचा कि लोकसभा की क्या एक्सक्लूसिव पावर होंगी तो वही दो में उन्होंने पूछ लिया और सुरेश देखो इसी के आ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन को आप कैसे अमेंड करोगे सो so, इसी से रिलेटेड भी क्या हो जाता है कि आपको अमेंडमेंट की जो भी चीज़ें हैं जितने तरह के भी बिल होते हैं उनको भी आपको दोबारा से पढ़ना है और यही ट्रिक होती है कि सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी में क्वेश्चन से लेकर टॉपिक ही आप मत देखो जो उसके ऑप्शन गिवन है ना उसमें से भी आप टॉपिक्स निकालो ओके okay, अभी कितने तक का करना है वो मैं आपको आगे स्लाइड में बताऊंगी लेकिन उसके बाद उससे पहले हम कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं तो देखो फोर्टीन क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पूछा गया है और बोला गया है कि आपको बताना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने मिनिस्टर्स को कितने किसी चीज़ में क्लासीफाई किया है मीनस ऐसा क्वेश्चन है ओके okay? और सिक्सटीन क्वेश्चन जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में है अब आपको पता है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कितनी बार जो यूपीएससी है ना वो इस एंटी डिफेक्शन पे ऑलरेडी पूछ चुकी है तो इसके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए था अब देखो 2022 में ये पूछा गया अब मैं आपको दिखा दूँ कि इससे पहले कब कब इन टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं तो स्टूडेंट्स देखो 2013 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर और जो यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं जो बेसिकली उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है ओके और वहीं से फिर जो एंटी डिफिक्शन लॉ है 2014 में उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है तो इसलिए यूपीएससी ने दो में दोबारा से इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको समझना चाहिए कि जिन जिन क्वेश्चन में टॉपिक दे रखे हैं मीन्स जिन जिन टॉपिक्स के बारे में यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है वो तो आपको प्रिपेयर करने ही कर रहे हैं उसके अलावा भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी वो क्या है वो भी हम आगे स्लाइड में बताएंगे थोड़ा लंबा सेशन हो सकता है तो आप एंड तक बने रहना और स्टूडेंट्स आप देखो सेवनटीन क्वेश्चन में अटॉर्नी जनरल के बारे में पूछा है उनकी पावर्स के बारे में पूछा गया है और सिमिलरली अटॉर्नी जनरल के टॉपिक के ऊपर दो में भी क्वेश्चन आ चुका है ओके और अब इसी के साइड में नाइनटीन नंबर पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में पूछा है चलो ये तो कम्प्लीटली करंट अफेयर्स बेस्ड हो गया और ये मिशन तो ऐसे हैं कि आपको पता होने ही चाहिए है ना इसके लिए तो कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की रिक्वयर्ड ही नहीं है कि आप पी वाई क्यू देखोगे तब आप ये पढ़ोगे ये तो आपको पता होना ही चाहिए लेकिन ये जो अटर्नी जनरल वाला क्वेश्चन है उसकी क्या क्या पावर्स होती हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ कि दो हजार तेरह में पूछा गया तो देखो ये दो हजार तेरह का क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा हुआ है कि अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या क्या कर सकता है और हां स्टूडेंट्स ये जो स्लाइड है थोड़ी सी ब्लर है ये जो इमेज है बट यहां पर आपका क्वेश्चन नहीं पढ़ना है आपको मैं ये दिखाना चाहती हूँ कितनी कितनी बार ऑलरेडी यूपीएससी ने उस चीज के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ way. और अब हम अपने नेक्स्ट पीवाईक्यू की तरफ चले तो यहां पर ट्वेंटी क्वेश्चन को देखो इसमें लोकसभा का जो डिप्टी स्पीकर होता है ना उनसे रिलेटेड पूछा गया है स्टेटमेंट जीवी और पूछा है कि डिप्टी स्पीकर के बारे में आपको बताना है ओके अब ये जो पेपर है आप ध्यान रखना मैं आपको 2022 का पेपर एनालिसिस करके बता रही हूँ और उससे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको लेके तो लोकसभा का जो डिप्टी स्पीकर होता है उसके बारे में ऑलरेडी दो में भी पूछा हुआ है ओके अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी मैं लेकिन उससे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स देखो अब आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही होगी ना कि कितने साल के करंट अफेयर्स करके जाएं क्योंकि अभी तक जो भी हमने देखा वो 2013 में ऑलरेडी पूछा हुआ है 2012 में 2017 में ऐसे ही मैंने आपको दिखाया है और किससे कंपेयर मैं कर रही हूँ दो के पेपर से कंपेयर कर रही हूँ कौन से कौन से क्वेश्चन को दो तक के क्वेश्चन दो वाले क्वेश्चन तो आप लोग एंड uh, तक बने रहे ना सभी uh, जो आपके क्वेश्चन है ना वो इस वीडियो में एड्रेस हो जाएंगे कि कहाँ तक के करंट अफेयर्स करने हैं और कैसे कैसे चीजें एनालिसिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन है उसमें जो टॉपिक है वो तो आपको पढ़ना ही है उसके अलावा भी क्या क्या आपको पढ़ना है जो मैंने बताया कि इनडायरेक्ट चीजें जो आपको पी से सीखनी है वो भी मैं आगे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेकर ही समझाऊंगी ओके तो देखो अब ये रहा दो हजार सत्रह में पूछा गया है लोकसभा का जो डिप्टी स्पीकर होता है उसके बारे में ओके तो अब आपको आना चाहिए क्योंकि यूपीएससी ने इसके बारे में ऑलरेडी पूछा हुआ है तो ऐसे ही अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं तो देखो ये ट्वेंटी वन और ट्वेंटी टू क्वेश्चन को देखो ट्वेंटी वन क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि वो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है जिससे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है और मिथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का जो एमिशन है वो बहुत ज़्यादा होता है चलो मान लिया कि ये बहुत ज़्यादा करंट ओरिएटेड चीज़ है आपको ये नहीं आता होगा ओके लीव इट बट आप इसके बाद वाले क्वेश्चन देखो बाईस क्वेश्चन उसमें ये पूछा है कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ये कौन सा मेथड है राइस uh, का जिसमें राइस को सुखाया जाता है उसका ऑल्टरनेट यूज किया जाता है मीन्स बताया हुआ है कि इस सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन में हम क्या करेंगे ताकि uh, जो रिड्यूस हम जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज करके मिथेन और नाइट्रस ऑक्साइड निकालते हैं ना उनको हम रिडक्शन उसका कर सके तो आप देख रहे हो ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड है क्योंकि तो यूपीएससी को पता है कि उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है ट्वेंटी वन बहुत ज्यादा करंट ओरिएंटेड है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट uh, हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए इसीलिए उन्होंने उसके नीचे ही जस्ट ऐसा क्वेश्चन दिया है जिस ताकि आप आ, दोनों क्वेश्चंस को एक साथ सॉल्व कर लो हाँ मैं मान सकती हूँ कि उस टाइम पे यह आपको स्ट्राइक नहीं करेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम का स्ट्रेस होता है बट ऐसे चीज़ें भी एनालिसिस करने वाली होती हैं जो कि आप हमारे साथ इस सेशन में सीखोगे ओके चलो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो लिवान के बारे में पूछा गया है ट्वेंटी क्वेश्चन में और लिबान क्या होता है स्टूडेंट्स बेसिकली कुछ नहीं होता वो कंट्रीज होती है जो मेजिटेरियन सी के आसपास जो उसे बॉर्डर कर रही होती है ना उन कंट्रीज को लेवान्त बोलते हैं ओके तो ये क्वेश्चन जो है ना ये ऑलरेडी 2017 में पूछा हुआ है तब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि मेडिटेरियन सी जो है ना वो उसके आसपास कौन सी कौन सी जो कंट्रीज है वो बॉर्डर्स बनाती है अब 2022 में उसका लेवल थोड़ा हार्ड करने के लिए लेवान्त पूछ लिया तो देखो है क्या टॉपिक तो वही है है ना जिस्ट तो वही है बस उन्होंने क्वेश्चन की लैंग्वेज को डिफिकल्ट कर दिया है और ये चीज़ आप भी समझ पाओगे जब आप इस लेक्चर को एंड तक देखोगे तो देखो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि ट्वेंटी नंबर का है जिसमें मोनाजाइट के बारे में पूछा हुआ है और इससे पहले मोनाजाइट के बारे में दो हजार नौ में पूछा हुआ था तो वो देखो साइड में ही मैंने अटैच कर दिया है अब आप फिर से क्वेश्चन जनरेट करोगे कि न, दो में चीज है उसके बाद दो में उस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं तो हम कैसे अंदाजा लगाए कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं और कैसे करने हैं सो so, आप वीडियो में एंड तक बने रहोगे मैं फिर से ये बात बोल रही हूँ तो आपको हर एक चीज़ खुद ही पता लग जाएगी जब तक आप वीडियो लास्ट तक देख लोगे ना उसके बाद खुद कोई क्वेश्चन आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा ओके चलो ये मोना वाला हो गया अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो पूछा गया है कि ट्वेंटी जून के बारे में पूछा गया है आपको पता है कि जो ट्वेंटी जून है ये लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ओके तो दो में तो ऐसे ही इसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट करके पूछ लिया कि जो लॉन्गेस्ट डे है ना नॉर्दन एमिस्फेयर में वो कौन से मंथ में आता है इससे पहले लेकिन 2019 में डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 21 जून है वो है क्या उसके बारे में पूछा था तो आपको पता होना चाहिए कि 21 जून जो है वो नदन हेमोस्फेयर में सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है क्यों होता है उसके पीछे का मैकेनिज़्म भी आपको पता होना चाहिए था तो आपको ये इनडायरेक्टली आप इसे सॉल्व कर पाते क्योंकि देखो ये इतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं हैं ओके अगर आपने पी वाई क्यों करे हैं उनका कॉन्सेप्ट समझा है तो इतने हार्ड नहीं होते ये सारे क्वेश्चंस इसके बाद स्टूडेंट्स आप थर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन देखो इसमें पूछा गया है कि ये जो शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो आपको बताना है और ऑप्शंस गिवन है देखो हालांकि ये 2015 में पूछा गया था और 2015 में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था अब देखो ये ही वो चीज़ है जो हमें समझनी है कि डायरेक्ट कैसे पी वाई क्यू से कवर करें और इनडायरेक्टली अभी तक आपने डायरेक्ट देखा कि उसने क्वेश्चन दे रखा है तो वो क्वेश्चन जिस टॉपिक के बारे में आपने उन टॉपिक को दोबारा रिवाइज कर लिया लेकिन इनडायरेक्टली आप कैसे समझोगे तो देखो इससे पहले दो में एक क्वेश्चन आया था अबाउट दी मींस रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो सिस्टम है, है, है उसके प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है अगर आपने 2015 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे होते और आपने ये पढ़ा होता कि, ओके जो सी है ये आर एफ आई डी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है तो फिर आप थोड़ा बहुत आर एफ आई डी के बारे में भी पढ़ते क्योंकि ये चीज़ तो आप देखो आपको खुद ही करनी पड़ेगी ओके okay? इसमें तो कोई और है वो आपका आगे बताएगा नहीं ये तो चीज़ आपको खुद पढ़नी पड़ेगी तो जब आपने एन एफ सी पढ़ा होता तो आपने आपको आर एफ आई डी भी आता होता और क्योंकि आपने आर एफ आई डी पता है तो आप ये वाला क्वेश्चन भी ईजिली कर सकते हैं जो दो हज़ार बाईस में आया है क्योंकि आ, देखो जो आर एफ आई डी मीन्स रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन और इसमें और क्या ऑप्शन है सीसीटीवी है वो तो हमें पता है शॉर्ट रेंज होता है और वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क हो गया इसमें तो नाम में ही लोकल एरिया है मीज ये भी शॉर्ट रेंज है तो ऐसे करके आप इजीली आंसर जो है निकाल सकते थे एंड इवन स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजी के ऊपर ये जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की रिविजन सीरीज चल रही है उसमें भी हमने कवर करवाया है और आपको उस सीरीज में बहुत ज्यादा न्यू न्यू ट्रिक्स और टेक्निक्स बताई हैं तो आप उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो रिविजन वाली सीरीज है उसे भी जाके देखना जो कि आपके अट्ठाईस मई के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी ओके okay, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन

केमिस्ट्री पार्ट और फिज़िक्स पार्ट फिज़िक्स में भी डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी वो पूछते हैं इससे ज़्यादा जो यू है वो डीप में नहीं जाता एन स्टूडेंट आज मैं आपको 20 से 25 ऐसे क्वेश्चंस का जो प्रीवियस ईयर के हैं उनको एनालिसिस कराऊंगी ताकि आपको अच्छे से जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्टी नाइन्थ इसमें कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के बारे में तो पूछा है लेकिन उसकी वैक्सीन्स के बारे में पूछा है अब आप देखो आपको पता है कोविड कितने टाइम तक रहा था तो इससे क्वेश्चन तो आना ही था लेकिन रेलिवेंट क्वेश्चन आएगा ना क्योंकि डेली कोविड का जो डेटा है वो चेंज हो रहा था तो रेलिवेंट क्वेश्चन आएगा अब रेलेवेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है रेलेवेंट क्वेश्चन ये बन सकता है ये जो वैक्सीन है, वो है क्या है किसने बनाई है और उनके पीछे का मैकेनिज्म क्या है वो मैकेनिज्म यूपीएससी पूछ सकती है कि कैसे वो लोगों को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है और कोविड से फिर जो लोग हैं ना उनकी डेथ होने से बच जाती है ओके तो इसीलिए दो बार ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया दो में भी पूछा गया और दो uh, में भी पूछा गया था इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके सामने है आप देख सकते हैं और इसी से ही आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मेन्स में भी फिर आपसे पूछा जा सकता है वैक्सीन्स uh, के बारे में या फिर उसका जो मैकेनिज्म होता है ना उस चीज के बारे में ओके okay, तो देखो मेंस में भी 2022 में फिर वैक्सीन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आया इसीलिए ही मैं आपको बोल रही हूँ कि जो प्रीलिम्स है या मेंस है वो सारे आपस में बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड होते हैं ओके okay, और 2020 का क्या क्वेश्चन था इट इज अबाउट निमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन्स ओके इस चीज के बारे में था मींस वैक्सींस के बारे में आपसे पूछा था एंड स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है 42 नंबर का जिसमें क्लाइमेट ग्रुप के बारे में पूछा है और ईपी 100 के बारे में पूछा है बेसिकली यहाँ पे अंडर टू कोलेशन के बारे में पूछा है और देखो अंडर टू कोलेशन के बारे में ऑलरेडी 2020 में पूछा गया है और स्टूडेंट्स ये वाला जो टॉपिक है ना एलवा एटा डेक्लरेशन तालानोवा डायलॉग हे कन्वेशन ये सब भी जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की रिविजन सीरीज चल रही है आप उसमें जाके देखना तो हमको पता लगेगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अट्ठाईस मई का एग्जाम दे रहे हैं तो ओके okay, और अगर हम देखें तो 2020 में क्योंकि अंडर टू दो के बारे में पूछा है ये करेक्टली मैच नहीं था इसलिए ये इनकरेक्ट था इसलिए मैंने इसमें हाईलाइट किया हुआ है और क्योंकि 2020 में पूछा है तो आपको अंडर टू कोलेशन के बारे में और जितनी भी चीजें दी हुई हैं ना उनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए था इसीलिए ही दो में यूपीएससी ने अंडर टू कोलेशन के बारे में पूछा क्लाइमेट ग्रुप के बारे में पूछा क्योंकि वो इसका सेक्रेटेरिएट होता है और ई पी हंड्रेड के बारे में पूछा आप इस स्लाइड में देख ही सकते हैं कि किस किस चीज़ों के बारे में इन स्टेटमेंट में मेंशन है एंड ये वाली स्लाइड आगे होनी चाहिए थी ये जो 42 नंबर के क्वेश्चन है इसकी स्लाइड आगे होनी चाहिए थी उसके बाद 2020 वाले क्वेश्चन की होनी चाहिए थी थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है बट आई होप आप इस चीज़ का फिनोमिना जो है वो समझ चुके होंगे इसके बाद स्टूडेंट इसी पेज पर पे फोर्टी नंबर के क्वेश्चन को देखो इसमें पूछा है कि जो डब्ल्यू की एयर क्वालिटी गाइडलाइंस है उनके बारे में बताओ ओके okay, ये दो का क्वेश्चन है इससे पहले दो में

इक्कीस के मेंस में पूछा था अबाउट दी एयर क्वालिटी गाइडलाइंस ऑफ डब्ल्यू एच ओ तो देख रहे हो 2021 के मेंस में पूछा है तो इसलिए फिर 2022 के प्री में आपसे वो क्वेश्चन पूछ लिया उस चीज़ से रिलेटेड इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो मेंस है वो भी आपको पढ़ के जाना है प्रिलेम्स के लिए आपको देखो सब कवर करना ही है क्योंकि आंसर राइटिंग करोगे तो मेन्स के आंसर ही तो प्रैक्टिस करोगे लेकिन मेन्स में भी जो क्वेश्चन पूछे गए उन टॉपिक को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है प्रिलिम्स के लिए यही बात मैंने आपको समझाई इससे पहले भी आप को एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेके समझाई थी आई होप आपको इंटरेस्ट आ रहा हो और आप समझ रहे हो जो हम अपने इस लेक्चर के थ्रू आपको कन्वीन करना चाहते हैं सो so, आगे बढ़ते हुए हम 46 क्वेश्चन के बारे में देखेंगे uh, उससे पहले जो फोर्टी नाइन देखो इसमें बायोरॉक टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा है और बायोरॉक टेक्नोलॉजी जो है स्टूडेंट कोरल रीफ से रिलेटेड है uh, क्योंकि कोरल रीफ इतनी ज्यादा डैमेज हो चुकी है उसके रिस्टोरेशन के लिए जो बायो रॉक टेक्नोलॉजी है ये आई है इंट्रोड्यूस हुई है अब देखो इससे पहले कोरल रीफ्स के कितनी बार क्वेश्चंस पूछे हुए हैं मतलब भाई मल्टीपल टाइम्स पूछे हुए हैं चाहे कोरल रीवस हो जाए मैन हो जाए मींस कुछ ऐसे टॉपिक है जो यूपीएससी के फेवरेट्स हैं उसमें से वो हमेशा पूछता ही पूछता है अब कोरल रीफ्स के बारे में इससे पहले कितनी बार पूछा है ये मेरे को आपको शो करने की जरूरत नहीं है हालांकि यहाँ पर दो हज़ार अट्ठारह लगातार पूछा हुआ है जो मैंने आपको स्लाइड में दिखाया है और आप आगे भी देखेंगे सो आपको पता होना चाहिए कि कोरल uh, रीफ से हर एक uh, जो भी रिलेटेड है ना जो भी टेक्नोलॉजी है कोरल रीफ्स के बारे में आपको डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए और अगर पता है स्टूडेंट्स ऑप्शन में कोरल रीफ्स है ना या ऑप्शन में मैनग्रूव्स है तो मैं uh, वही वाला ऑप्शन टिक करूंगी uh, जिसमें कोरल रीफ्स होगा या मैनग्रूव होगा मीन्स क्वेश्चन कुछ भी पूछा हुआ है लेकिन उसका आंसर डेफिनेटली कोरल रीफ्स होगा या मैनग्रूव्स होगा uh, अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो ओके okay? अब यहां से ही uh, इस क्वेश्चन के साइड में एक और क्वेश्चन था जिसमें पॉली uh, पॉली इथाइलिन टेरीफेलेट के बारे में था टेरीफेलेट ओके okay, इसके बारे में था 2022 में अब देखो यहाँ से कैसे इंडायरेक्ट क्वेश्चन जो है ना वो यूपीएससी पूछता है और आपको कैसे समझना है दो uh, हज़ार में स्टूडेंट्स ऑलरेडी बिस्फिनॉल ए के बारे में पूछा था कि ये किस चीज़ का की कॉम्पोनेंट है तो ये पॉली का की कॉम्पोनेंट होता है इसका आंसर पॉली इथाइलिन टेराफेलेट नहीं है मीन्स अब यहाँ से हम कैसे कंक्लूड करें तो यहाँ से हमें ऐसे कंक्लूड करना है क्योंकि 2021 में आ, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन जिसका आंसर भले ही पॉलीकार्बोनेट था लेकिन हमें इसके ऑप्शंस को भी एनालिसिस करना है कि भाई अगर पॉलीकार्बोनेट के लिए बेस्ट फनॉल ए था आ, तो जितने बाकी ऑप्शंस हैं मीन्स ए ऑप्शन में क्या है लो डेंसिटी पॉलीथी पॉलीथाइलिन के लिए क्या होता है सी ऑप्शन में पॉलीइथाइलीन टेरेथलेट के लिए क्या होता है डी में भी जो दिया हुआ है पोलीथाइलिन क्लोराइड इससे इससे क्या इसका मेन कंपोनेंट है क्योंकि यू डेफिनेटली पूछ सकता है यही चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको डायरेक्टली समझनी है और इनडायरेक्टली समझनी है यू के पेपर्स से डायरेक्टली तो समझ आएगी आपको इनडायरेक्टली ऐसे समझना है कि मीन्स क्वेश्चन ना पढ़ के क्वेश्चन तो आपको पढ़ने ही है क्वेश्चन से आपको टॉपिक ले लेना है जिस टॉपिक के बारे में वो पूछ रहा है लेकिन उसके आपको ऑप्शन भी एनालिसिस करने हैं ताकि आप उस ऑप्शन uh, को एनालिसिस करो उनके बारे में भी पढ़ो अब देखो रिसर्च तो आपको करनी पड़ेगी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ही okay? ओके तो जब आप उनके ऑप्शन के बारे में भी थोड़ा बहुत रिसर्च करोगे तो क्या होगा नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको एग्जाम में तीन से चार क्वेश्चन मिल जाएंगे जो यूपीएससी ने ऑप्शन uh, से पूछे होंगे ओके okay. इसलिए यूपीएससी में क्वेश्चन के साथ साथ जो ऑप्शन दिए हैं ना उसका बहुत ज्यादा महत्व है क्योंकि भाई यूपीएससी ने इस क्वेश्चन के साथ ये ही ऑप्शन क्यों दिए क्योंकि इसलिए है क्योंकि इन जो ऑप्शन है ना इनका अलग से कोई इनकी टेक्नोलॉजी है या अलग से इनका कोई सिस्टम है या फिर अलग ही किसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है और यूपीएससी चाहता है कि आपको वो भी पता होने चाहिए इसीलिए ही अब वो जो नेक्स्ट ईयर क्या पूछने वाला है ना वो आपको पहले ही बता देता है और लोग क्या कहते हैं कि भाई यूपीएससी बहुत ज़्यादा टफ है उसमें बहुत ज़्यादा करंट रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं भाई करंट रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं लेकिन अब ये तो देखो कि जो करंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है उसका हिंट वो तो आपको पहले से ही दे रहा है और अब तो इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास इकट्ठे हो गए हैं पास्ट ईयरस के कि आप उन्हें पढ़ के एनालिसिस करके पता लगा सकते हैं सो स्टूडेंट इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड हम फिफ्टी वन क्वेश्चन को देखें तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन नाइनटीन के बारे में पूछा है और आपको पता है अगर मॉडर्न हिस्ट्री में से क्वेश्चन आ रहा है तो या तो मिंटो रिफॉर्म का आएगा या फिर मोन्टाइग्यू चेंज फॉर रिफॉर्म का आएगा सिमिलरली उसी में से एक क्वेश्चन uh, है और इसके बारे में ना यूपीएससी तीन बार ऑलरेडी पूछ चुकी है चौथी बार दो में उसने नाइनटीन नाइनटीन एक्ट के बारे में पूछा है Uh, और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे होते हैं। और आप तीन बार ऑलरेडी देखते कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन नाइनटीन से तीन बार क्वेश्चन पूछा गया है मीन्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपको डेप्थ में पढ़ना चाहिए था इसीलिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता होता ओके okay. सो so आप देख सकते हैं कि दो में डायर की पूछा और आपको पता है डायर की में रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स होते हैं और इसी के साइड में अगर आप देखो तो फिफ्टी फोर क्वेश्चन में uh, क्रेप न्यूशन के बारे में पूछा है। और आपको पता है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है मॉडर्न हिस्ट्री के में से और इसमें यूपीएससी ने दो से तीन बार ऑलरेडी स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन के बारे में पूछा हुआ है जो कि आप गिवन uh, स्लाइड्स में देख भी सकते हैं इंस्टूडेंट यहां पे ये जो स्लाइड्स है ना अगर ये कुछ साइड uh, से कट भी हो रखी है तो आपको वो वाला क्वेश्चन नहीं देखना है आप वो वाला क्वेश्चन देखो इस स्लाइड में जो कम्प्लीटली कम्प्लीटली मैंशन है ओके okay? क्योंकि आगे सभी स्लाइड्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि दो में भी आया हुआ है दो में भी आया हुआ है दो में भी आया हुआ है इसीलिए आपको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है या फिर जो क्रिप्स मिशन है उसके बारे में पता होना चाहिए था आप स्टूडेंट्स अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री में गदर पार्टी के बारे में देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और अब काफ़ी ज़्यादा जो कोचिंग में ना गदर पार्टी के बारे में अच्छे से पढ़ाया भी जाता है क्योंकि प्रीवियस ईयर सी पूछा हुआ है कब पूछा था 2014 में पूछा था और वहीं फिर आपसे पूछ लिया कि गदर पार्टी से रिलेटेड कौन से कौन से इसमें लीडर्स हैं आपको बताने कि वो कौन से कौन से फ्रीडम फाइटर्स थे सिंपल कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन तो है नहीं बट हाँ अगर आपने पी को सीरियसली नहीं लिया है उन्हें खुद से एनालिसिस नहीं किया है तो आपके लिए ये क्वेश्चन मुश्किल हैं स्टूडेंट्स अगर आपको मेरे पढ़ाने की स्पीड थोड़ी तेज़ लग रही है तो वो इसीलिए है क्योंकि आ, सेशन काफ़ी लंबा है अगर मैं जल्दी नहीं बोलूंगी तो बहुत ज़्यादा लेंदी जो चैप्टर्स मतलब जो लेक्चर है वो चला जाएगा इसीलिए थोड़े फास्टली हम कवर कर रहे हैं अगर आपको लैंग्वेज अगर आपको स्पीड फास्ट लगे तो आप जो ऑप्शंस आते हैं स्पीड को धीरे करके भी देख सकते हैं ओके तो चलो आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि मंगोल इन्विजन के बारे में पूछा है और स्टूडेंट्स आपको पता है जो एंशेंट और मिडाइवल हिस्ट्री है ना और खासकर जो आर्ट एंड कल्चर है वो काफी ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है बट ऐसा नहीं है अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कुछ ऐसे टॉपिक्स जहां से यूपीएससी जो है ना वो हमेशा पूछता ही है चाहे वो आर्ट एंड कल्चर में से हो या फिर एंशेंट या मिडाइवल हिस्ट्री में से हो हाँ माना वो क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लेवल के होते हैं लेकिन अगर आपने पी पढ़ा है तो आप उस टॉपिक के बारे में डेप्थ में नॉलेज ले लो तो फिर यूपीएससी जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो आप इजीली सॉल्व कर ही सकते हो सिमिलरली आप देख सकते हैं कि 2021 में भी उसने मंगोल uh, इन्वेशन के बारे में पूछा और 2022 में भी पूछा मीन्स मंगोल इन्वेशन वाला जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको उससे रिलेटेड जो भी चीज़ है वो बहुत अच्छे से पढ़नी है चाहे मंगोल इन्वेजन्स के टाइम में जो जो कंटेम्प्रेरी डायनेस्टीज थी उसके बारे में भी आपको पढ़ना है मीन्स हर एक चीज़ डिटेल में पढ़नी है ओके सो स्टूडेंट्स अब हम आप 75 नंबर के क्वेश्चंस को देखो जिसमें पूछा गया है कि एन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 का उसके जो मेन कॉन्स्टिट्यूंट है ना वो कौन है मीन्स किसके अंदर वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था तो 2020 में ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिसमें खुद यूपीएससी ने ये बताया है कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के अंदर जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है नाइनटीन का उसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और तभी उसने आपको दोबारा क्वेश्चन की लैंग्वेज ट्रिक करके दो में आपसे यही क्वेश्चन पूछ क्योंकि तो इसमें बी और सी ऑप्शन में बहुत सारे बहुत कंफ्यूज हुए थे लेकिन आपने दो का पेपर अगर करा होगा तो आप में सही आंसर टिक करके आएंगे आर्ट एंड कल्चर का तो इसमें पूछा है से रिलेटेड पूछा है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड नहीं है मतलब एक पी वाई क्यू समझ लो आप और टी बोर्ड के बारे में पूछा है कुछ स्टेटमेंट्स देके और इससे पहले 2008 में टी बोर्ड आया था यूपीएससी के पीवाईक्यू में अब बात वही आती है कि भाई 2022 में पूछा है उससे पहले 2008 में आया है तो क्या करना चाहिए देखो दो ऑप्शंस हो सकते हैं या तो आप इतने पीछे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मत करो क्योंकि यू ऐसे बहुत कम पूछता है कि वो बहुत ज़्यादा पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टॉपिक को लेकर आ रहे हैं ओके लेकिन आपके पास टाइम है तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि जितने भी साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको करने चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ओके okay, एंड अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद हम समप करेंगे तो इसमें एसिड रेन के बारे में पूछा हुआ है कि कौन से कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जो एसिड रेन में कंट्रीब्यूट करते हैं सिमिलरली 2013 में एसिड रेन के बारे में पूछा था अब देखो ये तो वैसे भी बहुत ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट है आपको पता होना चाहिए हाँ डेप्थ नॉलेज पूछिए यू पी ने लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे तो आप एसिड रेन का देखते कि क्वेश्चन आया हुआ है तो आप अपने आप ही उसे उसकी डेप्थ नॉलेज ले लेते तो चलो स्टूडेंट्स अब हम समअप कर देते हैं सेशन को जिसमें हम बताते हैं कि अब करना क्या है एक्चुअली देखो जो पीवाई क्यू है वो मस्ट है आप उन्हें छोड़कर जा ही नहीं सकते चाहे आप कुछ टेस्ट सीरीज कम कर लो मीन टेस्ट कम दे दो लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करके जाओ डेफिनेटली करके जाओ अब बात यह आती है कि आपको करने कैसे हैं सबसे पहले आप अपनी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो चाहे लक्ष्मीकांत है रमेश सिंह है नितिन सांगवान है मीन्स जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है ना सभी सब्जेक्ट्स के लिए आप वो पढ़ो उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो और जो जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं जिन टॉपिक के बारे में बार बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है आप उन टॉपिक के बारे में फिर से पढ़ो क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक गाइड की तरह एक लर्निंग टूल की तरह इस्तेमाल करो क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यू है जो है ना वो इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछ सकता है और मैं एक्जाम्पल लेके भी बताती हूं अगर हम पॉलिटिकल एग्जाम्पल आपने सबसे पहले स्टैंडर्ड बुक कवर करी मींस आपने लक्ष्मीकांत कवर कर ली फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब करेंगे और आपने टेस्ट भी दिया तो आप सबसे पहले अपने टेस्ट को एनालिसिस ना करके पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना उसके बाद अपने टेस्ट का एनालिसिस करना क्योंकि टेस्ट का एनालिसिस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है ओके जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि कौन से कौन से जो टॉपिक्स है ना वो उनसे बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है जैसे अटॉर्नी जनरल से पूछा हुआ था एंटी डिपिक्शन लॉ से पूछा गया था तो उन टॉपिक्स को आप दोबारा से पढ़ लो ओके और इसके साथ साथ आप लैंग्वेज पे फोकस करो कि कैसी लैंग्वेज पूछी गई है क्योंकि पॉलिटिक्स रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आते हैं ना तो बच्चे इसी चीज़ में फंसते हैं वहाँ पे दिया होता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन्स दिस मतलब ऐसे करके क्वेश्चन पूछे होते हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें डिफाइन है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक्सप्लिसिटली मैंशन है या इम्प्लिसिटली मैंशन है मीन्स आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करके कुछ न्यू न्यू चीज़ें जो हैं उन्हें डिस्कवर करो उन्हें उनके बारे में समझो और उसकी लैंग्वेज पर भी फोकस करो कि यू कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है ओके okay, और जब आप न्यू न्यू चीज़ें डिस्कवर करोगे ना तो उसमें जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है लिबर्टी क्या होती है मीन इन सभी टर्म्स का मतलब भी आप समझ जाओगे और अब बात यह आती है कि भाई कितने ईयर्स के जो करंट अफ़ेयर्स हैं सॉरी कितने ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो आपको करने हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आपके पास टाइम है और आप 2024 में देंगे या उसके बाद देंगे तो डेफिनेटली जितने भी साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आपको वो करने ही करने हैं और वो स्टूडेंट्स जो एग्जाम देने जाएंगे आप क्या करो दस साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वो तो डेफिनेटली करो ही करो विद क्वेश्चंस एंड उसके सारे ऑप्शंस का भी आप एनालिसिस करो मींस क्वेश्चन में जो टॉपिक पूछा हुआ है वो तो आपको दोबारा पढ़ना ही है वो तो आपके प्रिलिम्स के लिए या फिर जो मेन्स है उसके लिए इंपॉर्टेंट है ही क्योंकि तो मैंने आपको दिखाया है कि अगर मेन्स में क्वेश्चन है तो अगले साल वो मीन्स का टॉपिक लेके प्रम्स में भी पूछ लेगा ओके तो जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उस टॉपिक के बारे में तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है इसके साथ साथ उसके सारे ऑप्शन को भी आपको डिटेल में पढ़ना है खुद से रिसर्च करनी है कि भाई ये जो ऑप्शन दे रखा है ये क्यों दे रखा है क्या इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक है क्या इससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम है सिस्टम है तो वो आपको इतनी मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि आपका यूपीएससी एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाए इसीलिए ओके और जो तेरह से दो हज़ार बाईस तक मीन्स आप सारे के सारे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो कवर कर लो विद ऑप्शन और आपके पास टाइम बचता है तो आप दो हज़ार तीन तक चले जाओ और दो हज़ार तीन से लेके जो दो हज़ार बारह तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बचे उसमें बस आप एक बार टॉपिक्स मतलब क्वेश्चन क्वेश्चन देख लो उसमें इतनी ज़्यादा डिटेल्ड अनालिस करने की जरूरत नहीं है कि हर एक एक ऑप्शन को भी डिटेल में आप स्टडी कर रहे हो ओके क्योंकि देखो हम कह सकते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड भी हो चुके हैं एंड करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो आप उनको स्किप भी कर सकते हो जो आपको स्टैटिक क्वेश्चन लगे या फिर जो स्टैटिक और करंट अफेयर्स का मिक्सअप क्वेश्चन लगे आप उसे भी कर सकते हो सो आई होप आपको अब आप सारी की सारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें हैं वो सारे उनके आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो एड्रेस हो गई होंगी हो यहाँ पे अगर तब भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तो चलो आज के सेशन को हम ये एंड करते हैं थैंक यू सो मच एंड शेयर इट एज वेल